हेलो एवरीवन वेलकम टू नॉलेज पॉइंट वी आर स्टडिंग एल डी हाइट्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन क्लास ट्वेल्थ एन सी आर टी केमस्ट्री इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव सीन द नॉमिन कलेचर मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल डी हाइट्स एंड कीटोन्स एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल डी हाइट्स एंड कीटोन्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रॉम द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एडिशंस रिएक्शंस ऑफ एल डी हाइट्स एंड कीटोन्स तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा जैसा कि नाम से आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पे किसी भी न्यूक्लियो का एडिशन होने वाला है किस तरह से होगा देखिए आप एल और कीटोन में क्या होता है एक कार्बोनिल ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है सी डबल वांड ओ सिंगल वॉन्ड सिंगल वॉन्ड ये कार्बोनिल ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है आपका एल में प्रेजेंट होता है और कीटोन्स में प्रेजेंट होता है तो ये कार्बोनिल ग्रुप एल और कीटोन्स में जो प्रेजेंट है तो इसमें क्या एडिशन होने वाला है किस चीज़ का न्यूक्लियो का एक एडिशन होने वाला है तो किस कैसे एडिशन होगा देखिए आप ये कार्बोनिल ग्लूब एक एक्चुअल में क्या होता है पोलर फॉर्म में होता है क्यों होता है पोलर फॉर्म में ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस वजह से क्या होगा ऑक्सीजन के ऊपर एक पार्सियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर एक पार्सियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियो क्या होता है न्यूक्लियो वो इस होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के लिए अट्रैक्शन रखते हैं मीन्स आप कह सकते हैं न्यूक्लियो के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर क्या हुआ जो न्यूक्लियो है वो जाके जुड़ेगा आपका कार्बन के साथ तो जो आपका एक्चुअल में पहले कार्बोनिल ग्रुप था सी सिंगल वन सिंगल वन डबल वन ओ इसकी जो फॉर्म होती है जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक्चुअल में प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल का मतलब होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो भी कंस्टिट्यूएंट अटैच होंगे वो सारे के सारे सेम प्लेन में होंगे तो और इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो होती है एस पी टू कार्बन आपका एस पी टू हाइब्रिड स्टेट में है और कार्बोनिल ग्रुप के सारे कंस्टिट्यूएंट जो होंगे वो सेम प्लेन में होंगे और एक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे जिसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर अब क्या होगा देखिए आप जब न्यूक्लियोफाइल सीन में आएगा तो सबसे पहले क्या होने वाला है सी डबल वन ओ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा एक बॉन्ड अपनी तरफ पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा तो इस वजह से क्या होगा कार्बन के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर नहीं कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा अब यहाँ पे कोई अगर एक न्यूक्लियो प्रेजेंट है जिस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ जाकर जुड़ेगा वो जुड़ेगा आपका कार्बन पे तो देखिए आप एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है न्यूक्लियो आपका अवेलेबल है कार्बन से जुड़ने के लिए तो स्ट्रक्चर किस तरह का अपियर होगा आपको सी सिंगल वांड ओ सिंगल बॉन्ड न्यूक्लियो फाइल आ जाएगा यहाँ पे और दो बाड आपके ऑलरेडी प्रेजेंट थे अब ये जो स्ट्रक्चर बना इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्रा हाइड्रल स्ट्रक्चर और इसमें जो कार्बन होता है वो होता है आपका एस पी थ्री हाइब्रिड स्टेट में होता है देखिए अब कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा सी एक एक्स एक्स ये जो सिंगल बांड तो रहते ही है इसमें प्रेजेंट कार्बन के साथ एक न्यूक्लियो फाइल एड हो गया साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है जिसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है अब क्या होगा ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है तो ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसको कहते हैं अल्काक्साइड इंटरमीडिएट ये एक प्रोटॉन को ऑब्जर्व कर लेगा मीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें में यहाँ पर प्रोटोन आपके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ तो देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया ये रहा कार्बन के साथ एक सिंगल वार्ड से न्यूक्लियो फाइल दो एक्स और बाई सिंगल वार्ड से अटैचि थे और ऑक्सीजन क्या बन गया आपका ओ एच बन गया तो इस तरह से आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो शो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो जब भी आप केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वस होंगे एल डी हाइट्स एंड कीटोन्स के केस में तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या कोई एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल प्रेजेंट है तो अगर वहाँ पर न्यूक्ो फाइल प्रेजेंट है तो रिएक्शन क्या होने वाली है रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और वो न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन से जुड़ जाएगा चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कुछ रिएक्शन देखते हैं ऐसी जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा होगा तो सबसे पहले रिएक्टिविटी की और बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी आपको पता ही है कि जनरली क्या होता है एल डी की जो रिएक्टिविटी होती है वो कीटोन की रिएक्टिविटी से ज्यादा होती है इसके दो कारण होते हैं एक तो एल्डी में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिकंडक्स में क्या होता है सी डबल वांड ओ सिंगल वांड एच और यहां पर भी एच हो सकता है या सी एस हो सकता है तो यहाँ पर क्या है एक तो हाइड्रोजन अटैच है अब कीटोन्स में क्या होगा दो आपके ग्रुप एल्किल ग्रुप अटैच होंगे मान ली यहाँ पे सी एस थ्री है यहाँ पे सी एस थ्री है तो यहाँ पे जो कीटोन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ज़्यादा है क्योंकि कंस्टिट्यूएंट जो कार्बन चैन है वो ज़्यादा बड़ी हैं इन कम्पेरिजन टू एल डी हाइट्स तो इस वजह से क्या होगा जो एल डी हाइट्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एक तो ये रीज़न हो गया दूसरा रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है कार्बन का सी डबल वन ओ तो जब भी यहाँ पे बड़े ग्रुप प्रेजेंट होंगे सी एस थ्री या और भी कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा इनके साथ ऑफ कीटोन्स बड़े ग्रुप ही प्रेजेंट होते हैं तो वो बड़े ग्रुप क्या करते हैं जो कार्बन होता है इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है उसको रिड्यूस कर देते हैं तो इसके जब भी कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रिड्यूस होगा तो आपका न्यूक्लियो फाइल उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा कार्बन की तरफ उतनी स्ट्रांग फॉर्म में वो अटैक नहीं कर पाएगा कार्बन से तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी इतनी ईजिली कैरीड आउट नहीं होगी तो ये दो मेन रीज़न है कि एल की रिएक्टिविटी कीटोन की रिएक्टिविटी से ज़्यादा क्यों होती है पहला रीज़न था आपका स्टेरिक हिंड्रेंस एल में कम होता है कीटोन्स में ज़्यादा होता है दूसरा क्या होता है कीटोन्स के ग्रुप्स जो लार्जर ग्रुप्स अटैच होते हैं किटोन्स के साथ वो क्या करते हैं कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है उसको रिड्यूस कर देते हैं इस वजह से न्यूक्लियो का एडिशन उतना ईजी

तो जब भी एच सी एन आपका प्रेजेंट होगा किसके साथ बेस के साथ प्रेजेंट होगा तो एक वाटर का मालिक्यूल वहाँ से निकल जाएगा और एक सी सी एन निगेटिव बचेगा आयन और जो होता है एक स्ट्रॉग न्यूक्लियो फाइल सी एन नेगेटिव क्या होता है न्यूक्लियो फाइल होता है तो ये न्यूक्लियो फाइल कहाँ जाकर जुड़ने वाला है ये कार्बन के साथ जुड़ने वाला है तो देखिए आप क्या होने वाला है कार्बोनिल ग्रुप था डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया एक निगेटिव चार्ज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया न्यूक्लियो फाइल जाके जुड़ेगा कार्बन पे देखिए तो क्या होने वाला स्ट्रक्चर सी सिंगल वन सिंगल वन सिंगल वन सी एन आ गया न्यूक्लियोफाइज जुड़ चुका है कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ निगेटिव चार्ज डबल वन ब्रेक हो चुका है और सिंगल वन गया अब क्या होगा ये इंटरमीडिएट कंपाउंड एक प्रोटोन को एब्जॉर्व करेगा और कहाँ जाकर जुड़ेगा प्रो, प्रोटॉन एक्चुलन क्या होता है एच पॉजिटिव होता है कहाँ जाकर जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा देखिए आप यहाँ बनने वाला है कुछ ऐसे सिंगल वन सिंगल वन सी एन और ओ एच कोई रिएक्शन कंसिडर करते हैं लेटेस्ट कंसिडर है रिएक्शन हमने एक्जाम्पल ले लिया एक एल डी हाइड्स का यहाँ पर ले लिया एसिड एल डी हाइड तो क्या हो गया सी सिंगल वन एच सिंगल वन सी एस थ्री डबल वन ओ ठीक है तो अब क्या होगा सेम केस होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ेगा न्यूक्लियो फाइल न्यूक्लियो फाइल के आपका सी एन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच ऐसे ही रहेगा आई जीटि सी एस थ्री आई जी टिच रहेगा एक न्यूक्ो फाइल ये आके अटैच हो गया यहाँ पे क्या वो निगेटिव आ गया अब यहाँ पे क्या होगा एक प्रोटोन ऑब्जर्व करेगा ये कंपाउंड तो क्या बन जाएगा प्रोटोनेशन के बाद सी सिंगल वन एच सिंगल वन सी एन सिंगल वन सी एस थ्री सिंगल वन ओ एच इसका नाम क्या है इसको कहते हैं एसीडलडीहाइड शाइनोहाइड्रेन क्या बन गया एसिड एल्डीहाइड साइनो हाइड्रीन बन गया अब बात करते हैं एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये एडिशन रिएक्शन भी होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है वो आपको प्रोवाइड करेगा एक न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ने जो वाला है कार्बन के साथ देख चुके हैं चलिए एलडीहाइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ और आपको मिलता है बाई सल्फाइड एक एडिशन प्रोडक्ट ठीक है अब इसको समझते हैं पहले एल डी क्या होगा सी डबल बांडो सिंगल बांड आर सिंगल बांड एच यहाँ पे आर की जगह अगर आपने एच ले लिया तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मेल्टी हाइट हो जाएगा आर लगा हुआ है तो ये आपके हायर एल डी हो जाएंगे ऐसे एल डी हो सकता है यहाँ पे प्लस एन ए एच एस ओ थ्री एन ए एच एस ओ थ्री जब यहाँ पर आ जाएगा रिएक्शन करेगा एल डी के साथ तो देखिए आप एक न्यूक्लियो फाइल एड होगा किसके साथ ऐड होगा कार्बन के साथ ऐड होगा तो देखिए न्यूक्ो क्या मिलेगा यहाँ से न्यूक्लियो मिलेगा यहाँ से ओ एस ओ टू एन ए मीन्स यहाँ से H पॉजिटिव अलग हो जाएगा बाकी एन ए एस ओ थ्री यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा किस फॉर्म में जुड़ेगा ओ एस ओ टू नेगेटिव एन ए पॉजिटिव के फॉर्म में जुड़ेगा यहाँ से तो इसको कहते हैं बाई सल्फ़ाइड एडिशन प्रोडक्ट और ये आपको मैकेनिज्म से ज़्यादा समझ में आएगा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं एक एग्जाम्पल ले लिया आपने एल्डिहाइड का ठीक है यहाँ पर ले लिया आपने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है जिसका स्ट्रक्चर होता है एन ए ओ सिंगल वांड एच सिंगल वांड एच डबल वांड ओ इसमें क्या होता है एन ए के ऊपर एक पॉजिटिव होता है बाकी जो पार्ट रिमेनिंग है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है अब देखिए आप एल्डी हाइड में क्या होने वाला है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जा ऑक्सीजन जा जा जा, पे पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर तो जो एन ए पॉजिटिव है सोडियम पॉजिटिव है वो किससे जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ठीक है तो ये तो आ गया आपका ऑक्सीजन के पास देखिए तो क्या हो गया यहाँ पे सी सिंगल वांड आर सिंगल वांड एच सिंगल वांड ओ एन ए क्योंकि सोडियम आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और वांड सिंगल रह गया डबल वांड ब्रेक हो चुका है अब क्या होने वाला है अब ये जो निगेटिव पार्ट है ओ सिंगल वांड एस सिंगल वांड एच डबल वांड ओ ये कहाँ जाके जुड़ेगा ये जुड़ेगा आपका कार्बन के साथ तो कार्बन किसके साथ बांट बनाएगा ऑक्सीजन के साथ बांट बनाएगा तो कार्बन के साथ सिंगल वांड के साथ क्या हो गया ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है एस से जुड़ा हुआ है और एस के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल वांडो एच डबल वांड ओ अब क्या होगा प्रोटॉन प्रो का ट्रांसफर होगा प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होता है यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा एच पॉजिटिव निकलेगा और वो कहाँ आ जाएगा वो सोडियम की जगह ले लेगा और सोडियम जाके एच की जगह हाइड्रोजन की जगह ले लेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ से देखिए आप कार्बन आर एच डी टी जाएगा सिंगल वांड एच सिंगल वांड ओ एच और सिंगल वांड ओ आ गया आपका सिंगल वांड एस सिंगल वांड ओ एन ए आ गया और डबल वांड ओ एच की जगह क्या यहाँ पे देखिए एन ए की जगह क्या आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया एन ए आ गया ठीक है तो ये जो कंपाउंड है ये मिला आपको कब मिला जब इसमें हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो ये था एक एग्जाम्पल आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का और इसको कहेंगे क्या ये कहलाता है आपका बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है ठीक है और एक्चुअल में ये जो रिएक्शन होती है वो स्मॉल कीटोन्स के द्वारा ही शो की जाती है क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे कीटोन्स लार्जर साइज़ के होते जाएंगे वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा और जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियो फाइल के ऐड होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी तो वो रिएक्शन इतनी आसानी से कैरीड आउट नहीं होगी तो इस वजह से ये जो रिएक्शंस होती हैं वो मोस्टली शो की करते हैं कौन से स्मॉल कीटोन्स करते हैं अब एडिशन ऑफ एल्कोहल्स की बात करते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल्स भी क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है देखते हैं एल्डी हाइट्स ले लेते हैं एल्डी हाइट्स के साथ सेम फिनोमिना होने वाला है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जा आ जाएगा और ये रिएक्शन करता है किसके साथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ आर ओ एच ले लिया एक एल्कोहल ले लिया मीडियम आपका एसिडिक है ठीक है तो क्या होगा आर सिंगल वन एच सिंगल वन ओ आर यहाँ पे क्या लिया था आपने आर डैश ओ एच ले लिया ये आर डिफरेंट एल्किल ग्रुप है आर डैश अलग एल्किल ग्रुप है तो यहाँ को डिस्टिंगट करने के लिए दोनों को यहाँ पे आर डैस ले लिया और यहाँ पे आर लिया तो एल्कोहल का जो ग्रुप है आर डैस वो जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो क्या हो गया? ओ आर डैस सिंगल वन ओ एच इसको कहते हैं हेमी एसिटल और ये जो हेमी एसिटल है फिर से रिएक्शन करेगा एल्कोहल के साथ वाटर का मालिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल में एसिटल क्या होता है सी सिंगल वन आर सिंगल वन एच सिंगल वन ओ आड सिंगल वन ओ आर डैस ये कहलाता है आपका एसीटल तो यहाँ पे आर की जगह आप ले लीजिए कोई एग्जाम्पल सी एस थ्री ले लिया और यहाँ भी आर डे की जगह भी आपने सी एस थ्री ले लिया तो क्या बनने वाला है एसीटल बनेगा सी एस थ्री सिंगल वन सी सिंगल वन एच सिंगल वन ओ सी एस थ्री सिंगल वन ओ सी एस थ्री ये बन गया आपका एसी मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से ये रिएक्शन का रीड आउट होती है देखिए आप एल डी हाइट के साथ सेम फेनोमेना होने वाला है ऑक्सीजन पे निगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अभी अब क्या होने वाला है ऑक्सीजन के ऊपर आ गया एक निगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज तो जब ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा अब देखिए एल्कोहल के साथ रिएक्शन करने करने का मतलब क्या है एल्कोहल होते क्या है आर सिंगल बांड ओ एच और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के ऊपर ये डोनेट कर सकता है और जरूरत किसको को इलेक्ट्रॉन्स की कार्बन को जरूरत है क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीजन किसके साथ बाड बना सकता है ये बना सकता है कार्बन के साथ बांड और इससे पहले क्या होगा जो ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही थी तो इस वजह से यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट थे तो ये एच पॉजिटिव आयंस जाके जुड़ गए ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे क्या हो गया सिंगल वांड ओ एच हो गया देखिए आप आर सिंगल वांड सी सिंगल वांड एच सिंगल वांड ओ एच हो गया क्योंकि ये प्रोटॉन जाके जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ अब क्या हुआ ये ऑक्सीजन ने क्या किया एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कार्बन को तो कार्बन के साथ वांड कौन बना लेगा ऑक्सीजन देखिए आप सिंगल वांड ओ और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा था आर डैश जुड़ा था और हाइड्रोजन जुड़ा था देखिए आप आर डैश सिंगल वांड हाइड्रोजन यहाँ तक आ गए अब क्या हुआ जैसे ही ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए कार्बन को तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है पॉजिटिव चार्ज आ गया अब ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स कुर्बान कर देगा ऑक्सीजन को दे देगा और यहाँ से एज एच पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से एक एच पॉजिटिव निकल जाएगा और ऑक्सीजन आपका स्टेबलाइज हो जाएगा तो क्या बनने वाला है यहाँ पे आर सिंगल वन सी सिंगल वन एच सिंगल वन ओ आर रह गया यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन निकल चुका है यहाँ से तो क्या रहेगा सिंगल वन ओ आर डेस सिंगल वन ओ एच अब ये जो सिंगल वन ओ एच आया है इसके ऑक्सीजन के पास भी क्या होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे आपका एच पॉजिटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये एच पॉजिटिव को डोनेट कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा एच पॉजिटिव एक बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ तो देखिए किस तरह से बॉन्ड बनेगा तो क्या गया कार्बन सिंगल वन आर सिंगल वांड एच सिंगल वन ओ आर एस एज इट इज़ रहा अब ये जो हाइड्रोजन जाके जुड़ा है इस ऑक्सीजन के साथ देखिए किस तरह से बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल वॉन्ड ओ सिंगल वांड एच तो था ही ऑलरेडी एक हाइड्रोजन जाके और जुड़ गया तो एक हाइड्रोजन जाके जुड़ गया तो अब ऑक्सीजन पे क्या आने वाला है पॉजिटिव चार्ज आएगा क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं हाइड्रोजन आयन को तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा वैसे ही यहाँ से एक रिमूव हो जाएगा आपका वाटर का मालिक यू जिसको कहते हैं एस टू ओ तो यहाँ से एस टू को रिमूव हो जाएगा तो देखिए अब क्या बचा क्या यहाँ पे एस टू को रिमूव हुआ बचा आपके पास कार्बन सिंगल वांड आर सिंगल वन एच सिंगल वांड ओ आर डैस बचा कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए तो कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वाटर का मालिक्यूल रिमूव हो गया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया मीन्स आपके पास आ गया एक कार्बो कैटायन ठीक है अब ये जो कार्बो कैटायन है ये फिर से रिएक्शन करेगा एल्कोहल के एक मालिक्यूल के साथ एल्कोहल का मालिक्यूल आपको पता है क्या होता है आर सिंगल वांड ओ एच और ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने वाले हैं देखिए आप कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देगा और कार्बन के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करेगा तो क्या होगा देखिए आप आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच ये एज इट इज रहा सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश ठीक है अब ये ओ आर डैश तो ऑलरेडी प्रेजेंट था अब ये जो ऑक्सीजन है ये किस कैसे बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ देखिए अब कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन का बन गया बॉन्ड ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपका एक आर्डाइज जुड़ा था एक हाइड्रोजन जुड़ा था ठीक है एजिट इज जोड़ दीजिए फिर क्या होगा फिर से यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है वो अपनी कुर्बानी देगा और ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा तो ये हो जाएगा न्यूट्रल यहाँ से एक एच पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाएगा एच पॉजिटिव आयन यहाँ से रिमूव हो गया तो क्या बन गया सी सिंगल वॉन्ड आर सिंगल वांड एच एज इट इज एजट इज आ गया सिंगल बॉन्ड ओ आर डे एज इट इज आ गया अब यहाँ पे क्या बचा देखिए आप एस पॉजिटिव यहाँ से निकल गया तो क्या बचा ओ आर डेस ही तो बचा तो ये आ गया ओ आर डेस तो क्या मिल गया आपको आपको मिला एसीटल ठीक है ना तो इस तरह से एल डी हाइट्स एडिसन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं एल्कोहल्स के साथ और क्या मिलता है आपको एसिटल मिलता है ये थी मैकेनिज्म इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट हालांकि ये रिएक्शन हम लोग पहले देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में अगर आप वीडियोज में सर्च करेंगे प्ले लिस्ट में तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी फिर भी एक बार दोबारा बता देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड देखिए आप एच सिंगल वांड सी सिंगल वांड एच डबल वांड ओ यह है फॉर्मेल्डिहाइड यह रिएक्शन करता है किसके साथ ग्रिगनाड रीजेंट के साथ ग्रिगनाड रीजेंट क्या होता है आर एम जी एक्स जिसमें आर के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज एम जी एक्स एम जी एक्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या क्या होने वाला है ऑक्सीजन आपका खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज कार्बन होगा आपका पॉजिटिवली चार्ज तो अब ये जो ग्रिगनाड रीजेंट है आर एम जी एक्स इसका नेगेटिव पार्ट किससे जुड़ने वाला है ये जुड़ेगा आपका जाके कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा पॉजिटिव पार्ट जो कि है एम जी एक्स देखिए आप तो क्या हो जाएगा सी सिंगल वांड एच ऐसे ऐसे ही रहा जैसे था सिंगल वॉन्ड एच ऑक्सीजन का डबल वांड ब्रेक हो चुका है तो वो रह गया यहाँ पे सिंगल वांड यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज तो इससे जुड़ेगा क्या पॉजिटिव पार्ट तो क्या हो जाएगा एम जी एक्स जुड़ जाएगा यहाँ पे साथ ही साथ कार्बन पे है पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट तो क्या आ जाएगा सिंगल वांड आर तो ये बन गया आपका एक इंटरमीडिएट इसका क्या होगा हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस करा दीजिए हाइड्रोलिसिसिस कराने पे क्या होगा एच पॉजिटिव आयन और ओ एच निगेटिव आयन्स आ जाएंगे आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे तो देखिए आप जो एच पॉजिटिव और ओ एच निगेटिव आयन्स हैं वो किस तरह से जुड़ते हैं देखिए यहाँ पे है कार्बन एजिटिज आ गया हाइड्रोजन एजिटिज आ गया आर एजिटिज आ गया सिंगल वन आर ऐसे ही आ गया अब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था ऑलरेडी अब ये जो एम जी एक्स वो रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा हाइड्रोजन के द्वारा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओ एच आ जाएगा तो ये कौन सी डिग्री का एल्कोहल है ये आपका फर्स्ट डिग्री एल्कोहल ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे एक और अभी फार्मेलिटी हाइट देखा था अब देख लेते हैं एसीटल्टी हाइट तो जब भी एसीटल्टी हाइट ग्रिगनाड रिजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको मिलेगा टू डिग्री एल्कोहल अगर कीटोन आपका ग्रिग्नाड रिजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो मिलेगा आपको थ्री डिग्री एल्कोहल तो टू डिग्री एल्कोहल में क्या होगा सेम रिएक्शन होगी बस यहाँ पे क्या था दो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे एक हाइड्रोजन ये था एक हाइड्रोजन ये था यहाँ पे क्या होगा एक हाइड्रोजन होगा एक एल्किल ग्रुप होगा तो क्या करिए आप हाइड्रोजन की जगह एल्किल ग्रुप अटैच कर दीजिए तो यहाँ पे जो क्या मिल जाएगा ये है आपका टू डिग्री एल्कोहल अच्छा ये टू डिग्री एल्कोहल क्यों है क्योंकि जिस कार्बन के साथ एल्कोहल का ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपका फर्दर दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि तो यार क्या होता है आपका मेथिल ग्रुप होगा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एथिल हो सकता है मेथिल हो सकता है तो क्या होगा यहाँ पे कार्बन ही तो प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे दो कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये है आपका टू डिग्री एल्कोहल इसी तरह की रिएक्शन सेम होती है आपकी कीटोन्स के केस में बांध मिलता है आपको थ्री डिग्री अलकोहल अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस की अभी तक हम लोगों ने देखी हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल डी हाइड्स एंड कीटोन्स अब बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल डी हाइट्स एंड कीटोन्स जिनमें सबसे पहली नियमिंग रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है वोल्फ किशनर रिडक्शन इस रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है वो रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोकार्बन्स में या यूँ कह लें कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है एल्केन्स में अब ये होता कैसे है और ये रिएक्शन होती है केवल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में मीन्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो ये रिडक्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा ये केवल है एक्सक्लूसिवली फॉर एल एंड कीटोन्स तो इसमें एल और कीटोन्स का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिएक्ट करता है किसके साथ एन एच टू सिंगल वांड एन एच टू के साथ एन एच टू सिंगल वांड एन एच टू रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा ये करेगा आपका बेस की प्रेजेंस में बेस क्या ले सकते हैं यहाँ पे के ले सकते हैं और सॉल्वेंट यूज करेंगे यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल मीन्स जब भी आप कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करेंगे इन द प्रजेंस ऑफ के सॉल्वेंट लेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल और रिएक्शन कराएंगे एनएस टू एन एच टू से तो क्या बनेगा ये कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है किसमें हाइड्रोकार्बन्स में जिसको क्या कहते हैं जिसको कहते हैं एल्केन्स ठीक है अब देखते हैं इनकी रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे इसकी ले लीजिए आप यहाँ पे ले लिया फॉर एक्जाम्पल दिस इज एसिटल डिहाइड आ गया सी क्या होता है सी सिंगल वांड एच सिंगल वांड एच ले लेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मल डी तो यहाँ पे ले लीजिए सी एस थ्री तो ये क्या होगा ए सी टल्डी हाइड सी डबल वांड ओ सिंगल वांड एच सिंगल वांड सी एच थ्री इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप एन एच टू एन एच टू से और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के ओ एच तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ मिलेगा एथेन सी एस थ्री सिंगल वांड सी एस थ्री मैकेनिज्म देखते हैं तो और चीज़ें क्लियर होंगी क्या ले लिया आपने एक एसी टलडी हाइड ले लिया एसिडलडीहाइट सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री डबल बॉन्ड ओ इसकी रिएक्शन करा दी एन एच टू सिंगल बॉन्ड एन एच टू से तो इस रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होने वाला है देखिए आप कार्बन के साथ क्या जुड़ा था एक हाइड्रोजन जुड़ा था और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा था सी एस थ्री जुड़ा था वो एज इट इज रहेगा अब यहाँ से क्या होगा एक वाटर का मालिक्यूल निकलेगा कौन सा निकलेगा वाटर का मालिक्यूल ये एच टू ओ निकल जाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा अब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा जाएगा कार्बन से तो क्या होगा देखिए आप कार्बन के साथ क्या आ गया नाइट्रोजन आ गया और बॉन्ड हो गया आपका डबल तो क्या निकल गया था यहाँ से माइनस हो गया था आपका एच टू ओ अब इस नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है देखिए आप सिंगल बॉन्ड एन एच टू एज इट इज आ गया इसको क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजोन तो ये आ गया आपका हाइड्रोजोन अब हाइड्रोजोन की रिएक्शन किस तरह से होगी अब ये रिएक्ट करेगा आपका KOH के ओ एच के साथ के ओ एच में क्या होता है के ओ एच एक्चूल में बेस है इसके पास के पॉजिटिव आयंस होंगे और ओ एच निगेटिव आयन्स होंगे तो यहाँ पे देखिए एक तो के पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है दूसरा ओ एस निगेटिव आयंस प्रेजेंट है अब इस हाइड्रोजोन में क्या था यहाँ से एन सिंगल वांड एन एच टू है तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहाँ से एज एच पॉजिटिव तो यहाँ से एच पॉजिटिव की फॉर्म में और ये रिमूव कैसे होगा देखिए आप एन सिंगल वांड एच सिंगल वांड एच एन एच टू के कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा या ये नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ से एक एच पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाएगा ये एच पॉजिटिव आयन ओ एच निगेटेटेटेटेटेटिव के साथ मिलकर क्या बनाएगा एक वाटर का मालिक्यूल रिली रिमूव हो जाएगा यहाँ से तो एक वाटर का मालिक्यूल रिमूव हो गया और नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया सिंगल वांड एच आई डी आ गया देखिए आप सी सिंगल वांड एच सिंगल वांड सी एच थ्री ठीक है डबल वांड एन और सिंगल वांड ए एन और साथ में जुड़ा हुआ है एच आपका नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको नाइट्रोजन के ऊपर वाटर का मालिक्यूल यहाँ से निकल चुका है अब क्या होगा ये जो एन एच है इसके नाइट्रोजन के ऊपर क्या है निगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये नेगेटिव पार्ट क्या करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में और ये जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा और ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा मीनस कुछ रेजोनेंस सा साफ एनोमिना यहाँ पे शो होगा आपका डबल बॉन्ड ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी तो नाइट्रोजन से ये आ जाएगी कार्बन के ऊपर अब यहाँ पे कार्बन हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर आ गया आपका एक नेगेटिव सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन एच अब देखिए आपका फिर आपका पिक्चर में आएगा क्या वाटर वाटर में क्या होता है एच पॉजिटिव आयंस होते हैं और एच निगेटिव आयंस होते हैं तो कार्बन के साथ क्या जुड़ने वाला है एच पॉजिटिव आयंस जुड़ेंगे क्यों कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो जोड़ दीजिए आप कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है कार्बन पर जोड़ दीजिए एक एच देखिए क्या बनने वाला है सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी स्त्री तो ऐसे ही था जैसे था वैसे ही है अभी तक ये रहा कार्बन के ऊपर आ गया सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एन था ही एज इट इज डबल बॉन्ड एन ये रहा ठीक है यहाँ तक तो सीन क्लियर हो गया अब क्या हुआ अब देखिए आप इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया फिर से दोबारा से फिर से यहाँ से एक एच पॉजिटिव आयन निकल जाएगा फिर से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर देगा फिर इसको इलेक्ट्रॉ नेगेटिव कर देगा अब यहाँ से क्या निकलेगा एन बॉन्ड ए एन मीन्स जो नाइट्रोजन के दो एटम मिलकर निकल जाएंगे यहाँ से और किस फॉर्म में निकलेंगे वो एन टू के फॉर्म में निकलेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलेगी नाइट्रोजन गैस का निकलने का मतलब है इतना पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा इतना पार्ट यहाँ से रिमूव होगा क्यों रिमूव होगा ये बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा कार्बन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ये कार्बन ने जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो ये यहाँ से रिमूव हो सकता है ठीक है तो यहाँ से नाइट्रोजन निकल गया तो अब क्या बचा सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री अब कार्बन पे निगेटिव आ जाएगा क्यों नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लिए सारे तो जब ये कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो अब इससे क्या जाके जुड़ेगा एच पॉजिटिव क्योंकि वाटर क्यों तो क्यों ऑलरेडी प्रेजेंट ही है एच पॉजिटिव यहाँ जाके जुड़ जाएगा तो क्या बनने वाला है सी सिंगल वन एच सिंगल वन सी एस थ्री सिंगल वन एच सिंगल वन एच ये क्या कहलाता है आपका ये है एथेन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप सी एस थ्री सिंगल वन सी एस थ्री तो आपने क्या देखा कि जो कार्बोनिल ग्रुप था वो कन्वर्ट हो चुका है एथेन में मीनस कहने का मतलब है आपका एसिडलडीहाइड का रिडक्शन हो चुका है एथेन में तो इस तरह से इस रिएक्शन में आपका कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है किसमें एल्केन्स में, में रिएक्शन रिडक्शन होता है एल्केन्स में एक और रिएक्शन है क्लीमंसन रिएक्शन क्लीमसन रिएक्शन में भी कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है एल्केन्स में बस इसमें क्या है रिजेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट यूज़ करते हैं देखते हैं किस तरह से ये रिएक्शन होती है एक कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं कि इसमें जिंक अमलगम के साथ जेडन एच जी के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड एच सी एल तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्केन्स में मैकेनिज्म देखते हैं इसकी कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज ठीक है अब जिंक क्या करेगा जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जेड एन टू पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे कार्बन के पास जाएंगे अब कार्बन के ऊपर क्या था एक्चुअल में एक पॉजिटिव चार्ज था ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था अब यहाँ पे कार्बन पे आ गए दो इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन पे जब दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या होगा एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा मींस सी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ गया और एक ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया और दोनों के बीच क्या हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया अब कंसनट्रेटेड एस सी एल यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या है कार्बन भी निगेटिव है ऑक्सीजन भी निगेटिव है तो एक एच पॉजिटिव आयन आपका जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ और एक जुड़ जाएगा आपका कार्बन के साथ तो देखिए आप किस तरह का सीन हो जाएगा यहाँ पे सीन हो जाएगा कुछ इस तरह का सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच ठीक है तो अब क्या होगा कार्बन के ऊपर क्या है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है साथ में कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बात क्लियर हो गई यहाँ से अब एच पॉजिटिव आयंस तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे क्यों ज्यादा मात्रा में क्योंकि आपने लिया है कंसनट्रेटेड एच सी एल अब यहाँ से निकालना है अपने को एक वाटर का मालिक्यूल तो एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे देगा एच पॉजिटिव को तो ऑक्सीजन ने दे दिए इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन तो यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ एच सिंगल बॉन्ड एच मीस वाटर का मालिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा ये रहा वाटर का मालिक्यूल रिमूव हो गया तो क्या बचा यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे सिर्फ बचा सी एच और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे पॉजिटिव क्यों आया क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज मींस ये बन गया आपका एक कार्बोकाइटाइन कार्बोकाइटाइन बन 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 गया फिर से क्या होगा जिंक के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल हैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स फिर से आएंगे कहाँ पे कार्बन के पास आएंगे तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएंगे तो फिर से क्या कर देंगे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करेगा कार्बन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा किसके ऊपर कार्बन के ऊपर अब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो फिर से एक एच पॉजिटिव आयन आके जुड़ जाएगा इस कार्बन पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बनेगा सिंगल वन सिंगल वन सी एच टू ये क्या है ये है आपका एल्केन तो इस तरह से आपका कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है किसमें एल्केन्स में रिडक्शन हो जाता है और इसके लिए दो मैथड्स हैं कौन कौन से एक तो है आपका बोल्फ किसनर रिडक्शन मैथड और दूसरा है क्लीमनसन रिडक्शन मैथड तो इन दोनों मैथड्स का यूज़ करके आप कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं एल्केन्स में बट क्या है दो, दो, दोनों दोनों रिएक्शंस में जो आपके रीजेंट्स हैं और आपके कैटालिस्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बाकी रिएक्शंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू सो मच